अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वी आर हियर अगेन विद द लेक्चर 3 ऑफ वोकैबुलरी सीरीज। सो द वर्ड्स ऑफ प्रीवियस डे इज कंपेंडियम, रूस, सिंपलटन, फ्लरी, क्वांट्री, क्विजलिंग, पिल्बियन, अप्लुएंस, लेविश, मैरेंस। दीज आर द वर्ड्स दैट वी लर्न इन द लेक्चर 1। सो हियर इज द लेक्चर 2 वर्ड्स voracious, indiscriminate, eminent, steeped, replete, abound, prognosticate, automaton, abort, realm। ये हम लोगों ने वर्ड्स पिछले दो लेक्चर्स में सीखे थे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बिलो में देख सकते हैं, उनके लिंक है, ठीक है। सो द वर्ड्स ऑफ टुडे वी विल लर्न आर badger, implore, drudgery, interminable, perceive, laconic, thong, interpret, accost, reticent। these are the words that we will learn in this lesson, in this lecture। so the first word is badger। badger mean to pester, nag, annoying persistently, ठीक है, annoy persistently। बैजर का मतलब होता है किसी को तंग करना, किसी में नुक्स निकालना, हाँ मुखा में उसे तंग करना, उसे जिज करना, दैट इज कॉल्ड बैजर। द टीचर कॉन्टिन्यूसली बैजर द प्यूपल फॉर द मिसिंग असाइनमेंट्स। यू शुडंट थ्रेटन योर चिल्ड्रन एंड नॉट बैजर देम। सो द नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लोर। इम्प्लोर मीन टू प्लीड फॉर रिक्वेस्ट। द सिक चाइल्ड mother implored the doctor to come immediately, I implore you to consider it। The next word is drudgery। drudgery mean unpleasant and dull। कोई भी चीज जो कि दिल को अच्छी ना लगे, जो कि dull हो, unpleasant हो, that is called drudgery। she does her homework on Friday to save herself from the drudgery of having to do it during the weekend। For many people in third world country, life has nothing to offer but year of drudgery। The next word is interminable। interminable mean unending। कोई भी ऐसी चीज जो कि एंड ना हो, जिसका एंड हमें ना दिख रहा हो, that is called interminable। I listened to the boring lecture for what seemed an interminable 15 minutes। Jack's friend complained about his interminable tweets। तो वो जैक इतने ज्यादा ट्वीट करता है कि वो खत्म ही नहीं होते। That is called the interminable। The next word is perceive। Perceive mean to understand। Perceive कोई भी चीज जो कि हम, कोई भी experience, कोई भी चीज जो हम के हम लोग देखते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसीव। द एमिनेंट साइंटिस्ट परसीव्स डिफिकल्टीज इन पुटिंग द इन्वेंशन इन टू प्रैक्टिस। द सब्जेक्ट एज यू परसीव वर अलार्मिंग बट वेरी एग्रीएबल। द नेक्स्ट वर्ड इज लैकोनिक। लैकोनिक मीन एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स। लैकोनिक वो होता है कि एक इंसान में ऐसी एबिलिटी होती है जो कि बहुत सारी बातें कुछ फ्यू वर्ड्स में वो उसे कन्वे कर देता है, दैट इज कॉल्ड लैकोनिक। हिज स्पीच वाज यूजुअली रैम्बलिंग बट दिस टाइम आई फाउंड इट ब्रीफ एंड लैकोनिक। द राइटर वाज लैकोनिक व्हेन ड्राफ्टिंग द पोएम एंड यूज्ड वेरी फ्यू वर्ड्स इन ईच लाइन। नेक्स्ट वर्ड इज थोंग। थोंग मीन crowd। As you see in the picture, the crowd, that is called a throng। The advanced verb of crowd is called throng। When the game ended, the throng of fan cried some of the winning player of the field। As soon as the store opened at 5 a.m., a throng of customer rush through the door to get the limited tea। Next word is interpret। Intrepid mean brave। कोई इंसान जो कि बहुत दलेर हो, निडर हो, जो किसी से ना डरता हो, that is called intrepid।
Even when the storm was directly over her house, the intrepid old woman didn't panic. The intrepid adventurers climbed the rocky mountain without fear. The next word is accost. Accost means to approach or confront someone in the way that is aggressive and inappropriate. कोई भी इंसान अकॉस्ट का मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना, किसी से लड़ाई करना, तो दैट इज कॉल्ड अकॉस्ट. द होमलेस मैन कंटिन्यू टू अकॉस्ट पीपल ऑन द स्ट्रीट, वॉकिंग अप टू देम एंड डिमांडिंग दैट दे गिव हिम मनी. प्रोटेस्टर्स बिगन टू अकॉस्ट वर्कर गोइंग इनटू द फैक्ट्री एंड सम इवन ट्राई टू ब्लॉक देयर एंट्री. द नेक्स्ट वर्ड इज रेटिसेंट. Reticent mean reserved, uncommunicative, keeping to yourself. कोई भी इंसान जो कि बहुत कम बातचीत करता हो, जो कि ज्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, जो कि रिजर्व हो, तो उसको कहते हैं reticent. When asked if he broke the lamp, the child was reticent and refused to make eye contact. Joe was reticent when I asked why he didn't go to school yesterday. Because Anne is so reticent, you hardly ever know what she's thinking. Never one to be reticent, Cliff made sure everyone knew his opinion. That is reticent. Now, the words we learned today are badger, implore, drudgery, interminable, perceive, laconic, टॉन्ग, इंटरपेड, अकॉस्ट, रेटिसेंट. सो तो मैंने आपको यही बोला था कि जब भी हम कोई वर्ड याद करते हैं उसको हम लोग किसी भी स्ट्रोल फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना, रिटेन करना अवर माइंड. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पैराग्राफ. तो लेट्स सी द पैराग्राफ. इट इज डिफिकल्ट टू चेंज समवन्स ओपिनियन बाय बैजरिंग हिम. He implored his boss for assistance with the office drudgery. His boss didn't try to perceive that the file record task is interminable. His boss laconically replied, "No need." A throng of workers gathered around him. An intrepid employee accosted the boss, "Sir, there is no need." But boss remained reticent and went away. So, ये आप पैराग्राफ देख लें. इस पैराग्राफ की तरह आप भी अपनी इन वर्ड्स को अपने किसी भी पैराग्राफ में स्टोरी फॉर्म में लिखें ताकि ये आपको हमेशा के लिए दे. तो आई होप यू ग्रैस्प द लेक्चर. नाउ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो यू वॉन्ट मिस एनी लेक्चर्स रिगार्डिंग द वोकैबुलरी सीरीज. थैंक यू सो मच. बी ब्लेस्ड.